So hello guys, welcome back to another very important video session from your own channel. My name is Vijay Kotekar and today we will study the new topic in the plant physiology that is called as to be the transport in the plant. तो आज इस टॉपिक के अंदर हम क्या देख रहे हैं बेटा, तो पहला देखेंगे मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट. बहुत अच्छा टॉपिक है, नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. तो इस टॉपिक के अंदर क्या देखेंगे, मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट के बारे में देखेंगे. ट्रांसपोर्ट किन चीजों का होता है ये इस टॉपिक के अंदर देखा जाएगा. बाकी तो हम देखेंगे बेटा शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट. देखो शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट. ओके डन. बाद में देखेंगे इस टॉपिक के अंदर हम देखेंगे बेटा प्लांट वाटर रिलेशन. प्लांट का और वाटर का कैसा रिलेशन है, प्लांट वाटर रिलेशन के बारे में हम देखेंगे. और तो और क्या देखेंगे बेटा इस टॉपिक के अंदर हम देखेंगे लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर देखेंगे इस टॉपिक के अंदर. इसी टॉपिक के अंदर हम देखेंगे अपटेक एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल न्यूट्रिएंट. और 6 नंबर का पॉइंट आप इस टॉपिक के अंदर देखेंगे. ओके 6 नंबर का पॉइंट हम देखेंगे ट्रांसपिरेशन के बारे में भी हम जानेंगे इसी टॉपिक के अंदर. और लास्ट वाला पॉइंट इस टॉपिक के अंदर देखेंगे हम फ्लोएम ट्रांसपोर्ट. ओके फ्लोएम का ट्रांसपोर्ट देखेंगे. ओके फ्लो फ्रॉम सोर्स टू सिंक, इसके अंदर फ्लो फ्रॉम सोर्स टू सिंक. ओके तो इस ट्रांसपोर्ट इन प्लांट टॉपिक के अंदर हमें सीखना क्या है, ये तो मैंने आपको क्लियर कट बता दिया. हमें सीखना है मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट, हमें सीखना है शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट. ओके हमें सीखना है प्लांट वाटर रिलेशन, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर. 5 नंबर अपटेक एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ द मिनरल न्यूट्रिएंट. 6 नंबर का पॉइंट है हमारे पास ट्रांसपिरेशन. और तो और इस टॉपिक के अंदर हम देखेंगे फ्लोएम का ट्रांसपोर्ट, फ्लो फ्रॉम सोर्स टू सिंक. यस बेटा तो आगे बढ़ेंगे इस टॉपिक के अंदर. इस टॉपिक के अंदर पहला पॉइंट है हमारे पास ओके मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट. तो देखेंगे क्या होता है क्या नहीं है टॉपिक के अंदर आगे बढ़ेंगे. चलो ठीक है डन. मैंने आपको एक टॉपिक का समराइज बोल दिया कि इस टॉपिक के अंदर क्या बारा है, एनसीईआरटी ने क्या बोला है हमें इस टॉपिक के बारे में. चलो ठीक है डन. तो आगे बढ़ेंगे बेटा, हमारे इस टॉपिक का नाम है ट्रांसपोर्ट इन प्लांट का लेक्चर नंबर 1 हमारा हम लेने जा रहे हैं बेटा. ओके डन. ट्रांसपोर्ट इन प्लांट का लेक्चर नंबर 1. यस तो आगे बढ़ेंगे. व्हाट डू ट्रांसपोर्ट इन द प्लांट, प्लांट के अंदर ट्रांसपोर्ट क्या होता है. व्हाट डू ट्रांसपोर्ट इन प्लांट, प्लांट के अंदर किसका ट्रांसपोर्ट होता है, क्या लगता है आपको. यस बेटा मृणाल क्या आप बोल सकते हो कि प्लांट के अंदर ट्रांसपोर्ट किसका होता है. यस क्या लगता है आपको, जल्दी से बोलिए. मैंने आपको मिनरल न्यूट्रिशन आप अभी पढ़ाया है. यस बोलिए बेटा जल्दी से बोलिए. यस मिनरल्स का हो सकता है, और तो और किसका हो सकता है. वाटर का हो सकता है. ओके आपने बोला पहला मिनरल, तो मिनरल लिखेंगे. आप बोलेंगे सर 2 नंबर का एक लिखो, क्योंकि 1 नंबर पे मैं वाटर लिखूंगा. वाटर का ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, मिनरल का ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, और किसका होगा बेटा जल्दी से बोलो. और यस करेक्ट आंसर. तो यहाँ पर फूड कौन से फॉर्म में रहता है, सुक्रोज के फॉर्म में रहता है बेटा, सुक्रोज. ओके प्लांट के अंदर कौन सा फूड का फॉर्म रहता है, सुक्रोज रहता है. और लास्ट में हार्मोन, इन 4 चीजों का क्या हो जाएगा ट्रांसपोर्ट होता है प्लांट के अंदर. देखो अगर आपसे कोई पूछे कि प्लांट के अंदर किसका ट्रांसपोर्ट होता है, तो आप उसे बोलेंगे सर प्लांट के अंदर वाटर का ट्रांसपोर्ट होता है, प्लांट के अंदर मिनरल का ट्रांसपोर्ट होता है, प्लांट के अंदर सुक्रोज का ट्रांसपोर्ट होता है, और प्लांट के अंदर हार्मोन का ट्रांसपोर्ट होता है. क्या यहां तक दी गई बात समझ में आई है, जल्दी से बोलिए.
तो प्लांट के अंदर ट्रांसपोर्ट होता है वाटर का, प्लांट के अंदर ट्रांसपोर्ट होता है मिनरल का, प्लांट के अंदर ट्रांसपोर्ट होता है सुक्रोज का, और प्लांट के अंदर यहां पर ट्रांसपोर्ट होता है हार्मोन का। अभी यहां पर जो मिनरल मैंने लिखा है, मिनरल का अगर एग्जांपल लूं मैं नाइट्रोजन, देखो मिनरल में अगर मैं नाइट्रोजन का एग्जांपल लेता हूं तो नाइट्रोजन के दो फॉर्म्स होते बेटा, ओके। प्लांट नाइट्रोजन को लेता है एक तो ऑर्गेनिक फॉर्म में, ऑर्गेनिक फॉर्म में जो उसके अंदर वो अमोनिया अमीनो एसिड बनाता है, अमीनो एसिड आपको पता है प्लांट के अंदर अमीनो एसिड बनते हैं, मैंने आपको अभी अभी मिनरल न्यूट्रिशन के अंदर पढ़ाया है। तो मिनरल न्यूट्रिशन में अगर मैं नाइट्रोजन का एग्जांपल लेता हूं, मिनरल न्यूट्रिशन में अगर मैं नाइट्रोजन का एग्जांपल लेता हूं तो नाइट्रोजन को ऑर्गेनिक फॉर्म में भी प्लांट लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ अमीनो एसिड, और इनऑर्गेनिक फॉर्म में भी ले सकते हैं, उसका नाम है बेटा NO3 माइनस। इज दैट क्लियर? तो ये हो गया बेटा प्लांट का न्यूट्रिशन। प्लांट के अंदर किसका किसका ट्रांसपोर्ट होता है, प्लांट के अंदर वाटर का ट्रांसपोर्ट होता है, प्लांट के अंदर मिनरल का ट्रांसपोर्ट होता है, प्लांट के अंदर सुक्रोज का ट्रांसपोर्ट होता है, और प्लांट के अंदर हार्मोन का ट्रांसपोर्ट होता है। यहां तक बात क्लियर है? और यहां पर मैंने आपको बोला कि जो नाइट्रोजन का ट्रांसपोर्ट होता है, नाइट्रोजन का ट्रांसपोर्ट ऑर्गेनिक वे से भी हो सकता है और इनऑर्गेनिक वे से भी हो सकता है। नाइट्रोजन का ट्रांसपोर्ट ऑर्गेनिक वे से अमीनो एसिड की तरफ से होगा और इनऑर्गेनिक वे से NO3- से होगा। इज दैट क्लियर? जल्दी से रिप्लाई दो। चलो ठीक है, अभी हम देखेंगे अगला पॉइंट जिसका नाम है, देखो बेटा अगला पॉइंट देखेंगे जिसका नाम है बेटा हमारे पास डायरेक्शन ऑफ ट्रांसपोर्ट। इसकी डायरेक्शन कौन सी है? डायरेक्शन ऑफ ट्रांसपोर्ट, ओके। अभी हम देखेंगे डायरेक्शन ऑफ ट्रांसपोर्ट, डायरेक्शंस ऑफ ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट की डायरेक्शंस कौन सी है, डायरेक्शंस ऑफ द ट्रांसपोर्ट। चलो देखिए हम देखेंगे डायरेक्शंस ऑफ द ट्रांसपोर्ट। देखो एक बात बोलो, अभी तो पहला मैं बोलूंगा वाटर, नंबर एक मैं बोलूंगा वाटर का डायरेक्शन कौन सा, वाटर का। ध्यान से सुनो मेरी बात, ध्यान से। प्लांट के अंदर वाटर का डायरेक्शन हम देख रहे हैं, हमारा पॉइंट का नाम है बेटा प्लांट के अंदर कौन से डायरेक्शन से वाटर का ट्रांसपोर्ट होता है, ओके। ट्रांसपोर्टेड ओनली थ्रू जाइलम, पहली बात तो मैं आपको बोलूंगा वाटर को कौन कैरी करता है, यस एग्जैक्टली जाइलम कैरी करता है। सो मैं यहां पर लिख सकता हूं ट्रांसपोर्टेड, ट्रांसपोर्टेड ओनली बाय जाइलम, ओनली बाय जाइलम, ओके। क्योंकि आपको पता है वाटर का कंडक्शन, या तो वाटर का ट्रांसपोर्ट कौन करता है, जाइलम करता है, और फूड का ट्रांसपोर्टेशन कौन करता है, फ्लोएम करता है। तो यहां पर ये जो होता है बेटा वाटर का डायरेक्शन, ये ऑलवेज यूनिडायरेक्शनल होता है बेटा, यूनिडायरेक्शनल। एक बात पूछूंगा मैं आपसे श्रावणी, ओके श्रावणी एक बात बोलो कि वाटर जो रहता है, वाटर का ट्रांसपोर्ट रूट से शूट की तरफ जाता है या शूट से रूट की तरफ जाता है, जल्दी से बोलिए, ओके जल्दी से बोलिए। वाटर का जो ट्रांसपोर्ट होता है, अरे वनस्पति पाण्याला घेतात, हाँ बोल बेटा पटकन बोल, मोठ्याने बोल, यस एक्झॅक्टली, रूट कडून शूट कडे, म्हणजे याचं डायरेक्शन कधी पण हे युनिडायरेक्शन असतं, ऑलवेज फ्रॉम रूट कडून रूट टू शूट, ओके डन। अभी हम देखेंगे इसका मिनरल का, मिनरल का, मिनरल का ट्रांसपोर्ट कैसा होता है। देखो मिनरल का ट्रांसपोर्ट दो तरीके से हो सकता है, मिनरल का जो ट्रांसपोर्ट है बेटा ये दो तरीके से हो सकता है, इसे समझने की कोशिश करो, ओके। मिनरल का ट्रांसपोर्ट दो तरीके से होता है, डायरेक्शन, डायरेक्शन देखो यहां पर एक समझ लो बेटा कि ऑकरिंग थ्रू जाइलम, ओके थ्रू जाइलम, पहला तो मैं बोलूंगा थ्रू जाइलम, थ्रू जाइलम। तो मैंने अभी अभी आपको बोला कि जाइलम का कंडक्शन कैसा होता है, रूट से शूट की तरफ, रूट से शूट की तरफ। तो जाइलम, थ्रू जाइलम जे मिनरल पाण्यामध्ये डिझॉल्व झालेले असतील त्यांचं डायरेक्शन कसं असेल, एक्झॅक्टली युनिडायरेक्शनल असेल, युनिडायरेक्शनल असेल। जे मिनरल पाण्यामध्ये डिझॉल्व झालेले असतील त्यांचं डायरेक्शन हे कधी पण युनिडायरेक्शनल असतं, यांच्यामध्ये कुठल्याही प्रकारचा अपवाद नाही। परंतु
या मिनरल मध्ये हा झाला पॉइंट नंबर एक. पॉइंट नंबर दोन मी तुम्हाला या ठिकाणी सांगतो, तुम्हाला मी हा पॉइंट त्या ठिकाणी मिनरल न्यूट्रिशन मध्ये सुद्धा शिकवलेला आहे की सपोज दॅट एक प्लांट आहे, त्या प्लांटला हे यंग लीफ आहे आणि हे ओल्ड लीफ आहे. ओके, आता मला तुम्ही सांगा हे यंग लीफ हे ओल्ड लीफ या ठिकाणी काढतोय. बघा हे कोणतं लीफ आहे बेटा, हे ओल्ड लीफ आहे, ओल्ड लीफ आहे आणि हे यंग लीफ आहे. ओके, मग मला तुम्ही सांगा की जे मिनरल ओल्ड लीफ कडून यंग लीफ कडे येतात त्या मिनरलला आपण काय म्हणतो. निश्चितपणे जर तुम्ही माझे मिनरल न्यूट्रिशनचे लेक्चर बघितले असतील किंवा केलेले असतील तर तुम्हाला याचं उत्तर यायलाच पाहिजे. ओल्ड कडून यंग कडे ट्रान्सपोर्ट होणाऱ्या मिनरलला आपण काय नाव देतो. यस कुणाल के आंसर दे सकते हो बेटा, बोलिए जल्दी से. करेक्ट आंसर, इसको कहेंगे हम मोबाइल मिनरल. ओके, मोबाइल मिनरल कहेंगे, मोबाइल मिनरल मिनरल. ओके, जे मिनरल ओल्ड कडून यंग कडे जातात ना त्यांना आपण मोबाईल मिनरल असं म्हणतो, बरोबर आहे. आणि जे ओल्ड कडून यंग कडे जात नाही त्याला इमोबाईल मिनरल असं आपण म्हणत असतो, बरोबर. तर यामध्ये तुम्हाला मी क्लिअर सांगितलं की त्या ठिकाणी मोबाईल मिनरल ओल्ड कडून यंग कडे जात आहेत. आता मला तुम्ही सांगा प्लांटला ओल्ड लीफ कुठं पण असू शकतं आणि यंग लीफ कुठं पण असू शकतं याची कुणीही गॅरंटी देऊ शकत नाही, बरोबर आहे. त्यामुळं त्या ठिकाणी जे मोबाईल मिनरलचं ट्रान्सपोर्ट होतं हे कोणत्याही डायरेक्शन होऊ शकतं, हे गोष्ट समजून घ्या. मोबाईल मिनरलचं ट्रान्सपोर्ट हे कोणत्याही डायरेक्शन होऊ शकतं, त्यामुळं मोबाईल मिनरलच्या ट्रान्सपोर्टला, मोबाईल मिनरलच्या ट्रान्सपोर्टला लक्षात घ्या मल्टी डायरेक्शनल असं सुद्धा म्हटलं जातं. मल्टी डायरेक्शनल असं सुद्धा म्हटलं जातं, मल्टी डायरेक्शन डायरेक्शनल. ओके, हे क्लिअर झालं बाळांनो. बघा वॉटरचं ट्रान्सपोर्ट हे ऑलवेज युनिडायरेक्शनल असतं, मिनरलचं ट्रान्सपोर्ट जर कधी झायलम मधून झालं तर ते युनिडायरेक्शनल असेल, परंतु जर मिनरलचं ट्रान्सपोर्ट हे ओल्ड कडून यंग लीफ कडे झालं तर ते कोणत्याही डायरेक्शन असू शकतं, कारण यंग लीफ हे प्लांटला कुठं पण येऊ शकतं आणि ओल्ड लीफ हे प्लांटला कुठं पण असू शकतं. मग ओल्ड लीफ कडून यंग लीफ कडे जे ट्रान्सपोर्ट होतं त्या ट्रान्सपोर्टला आपण मोबाईल मिनरल ट्रान्सपोर्ट असं म्हणतो, आणि मोबाईल मिनरल ट्रान्सपोर्टची डायरेक्शन ही कधी पण कोणतीही असू शकते, म्हणून याला आपण मल्टी डायरेक्शनल हा शब्द वापरलेला आहे. इज दॅट क्लिअर? जल्दी से रिप्लाय दो बेटा, बोलिए मुझे या तक कहानी समझ में आई है या नहीं आई है, जल्दी से बोलो, रिप्लाय क्विक मी. वेरी गुड, यस पूर्णिमा, ओके, यस रावणी, यस मृणाल, इज दैट क्लियर? समझ में आता है बेटा, जल्दी से बोलिए, चलो राइट डाउन कीजिए बेटा इसे जल्दी से. ओके, वेरी गुड वेरी गुड. तो यहां तक हमने देखा डायरेक्शन ऑफ ट्रांसपोर्ट, पहले तो देखा हमने वाटर की और बाद में देखे हमने मिनरल की. मिनरल की डायरेक्शन अगर जाइलम से होती है तो यूनिडायरेक्शन रहेंगी, लेकिन अगर मोबाइल से इमोबाइल की तरफ रहती है बेटा तो मल्टी डायरेक्शन रहेंगे. अभी हम देखेंगे फूड की डायरेक्शन. अभी प्लांट में फूड कौन से फॉर्म में रहता है? यस बेटा, प्लांट में फूड रहता है सुक्रोज के फॉर्म में. कौन से फॉर्म में रहता है? सुक्रोज के फॉर्म में. देखो हेडिंग में रफ कर देता हूं, समझ लो आपको, ठीक है, डन. तो आगे बढ़ेंगे टॉपिक के अंदर डीप जाएंगे बेटा. एनसीईआरटी की जो भी गोल्डन लाइंस है वो आपको समझ में आ जाएंगे, सिर्फ टॉपिक के अंदर बने रहो. ओके, तो फूड, ओके, प्लांट के अंदर फूड कौन से फॉर्म में रहता है? यस बेटा, प्लांट के अंदर फूड रहता है सुक्रोज के फॉर्म में. कौन से फॉर्म में रहता है बेटा? सुक्रोज के. तो सुक्रोज का ट्रांसपोर्ट कैसा होता है? देखो सुक्रोज का ट्रांसपोर्ट कैसा होता है, देखो नॉर्मल डायरेक्शन ऑफ द फूड कैसी रहती है, नॉर्मल डायरेक्शन. हाँ, अगर फूड की नॉर्मल डायरेक्शन अगर हम देखें, नॉर्मल डायरेक्शन ऑफ द फूड, नॉर्मल डायरेक्शन ऑफ फूड, अगर फूड की नॉर्मल डायरेक्शन देखेंगे हम, ओके, अगर फूड की नॉर्मल डायरेक्शन अगर हम देखेंगे, नॉर्मल डायरेक्शन, आई एम टॉकिंग अबाउट द नॉर्मल डायरेक्शन, कैसा होता है आपको बताएं. सपोज दैट एक एक लीफ है, ओके, तो लीफ क्या करता है बेटा, बाय द वे ऑफ फोटोसिंथेसिस, ओके, इस प्रोसेस से क्या बनाएगा, इस प्रोसेस से फूड बनाएगा. ये लीफ क्या बनाता है? फूड बनाता है बेटा. ओके, लीफ क्या बनाएगा? फूड बनाएगा. ओके, आता मला सांगा, समजा या लीफ ने फूड बनवलं. ओके, लीफ फूडला का बनू शकतं? कारण त्याच्यामध्ये क्लोरोप्लास्ट आहे. क्लोरोप्लास्ट मध्ये असणाऱ्या पिगमेंट मध्ये ऍबिलिटी आहे लाइट एनर्जीचं कन्वर्जन केमिकल एनर्जी मध्ये करण्यासाठी. इज दॅट क्लिअर? ओके, क्लोरोप्लास्ट मध्ये ऍबिलिटी आहे लाइट एनर्जीचं कन्वर्जन केमिकल एनर्जी मध्ये करण्यासाठी.
पण ती कॅपॅसिटी रूट मध्ये नाहीये. बरोबर, लाइट एनर्जीचं कन्वर्जन केमिकल एनर्जी मध्ये करण्याची कॅपॅसिटी आपल्याला या ठिकाणी रूट मध्ये आढळून येत नाही. मग या ठिकाणी होतं काय, या ठिकाणी होतं काय, बघा हे जे लीप आहे, या लीपनं जे फूड बनवलं, या लीपनं जे फूड बनवलं, लीप काय करतं, त्याच्यामध्ये असणार जे काही फूड त्यानं बनवलेलं आहे ना, ते फूड देतं रूटला. कोणाला देतं बेटा, रूटला देतं. मग मला तुम्ही सांगा, या ठिकाणी जर आपण विचार केला, लीपनं फूड बनवलं, लीपनं फूड का बनवलं, कारण त्याच्याकडे क्लोरोप्लास्ट आहे. बरोबर, मग त्या बन लीपनं बनवलेलं फूड कुणाला दिलं जातं, त्या ठिकाणी, येस एक्झॅक्टली, कुणाला दिलं जातं, त्या ठिकाणी रूटला दिलं जातं, रूटला दिलं जातं. परंतु कधी कधी काय होतं, तुम्ही जर कधी पिंपळाचं पान अर्ली स्प्रिंग मध्ये बघितलं असेल, अर्ली स्प्रिंग मध्ये म्हणजे जर कधी आपण बघितलं पावसाळा येण्याच्या अगोदर सुरुवातीचा जो कंडिशन आहे ना, त्याला आपण अर्ली स्प्रिंग असं म्हणतो. ओके, त्या अर्ली स्प्रिंग मध्ये जर बघितलं तर हे जे काही पिंपळाचं पान झाड आहे, त्याला एक सुद्धा पान राहत नाही. पिंपळाच्या झाडाला एक सुद्धा पान राहत नाही. मग अशा वेळेस काय होतं, ह्या रूट मध्ये जे काही फूड आहे, हे फूड परत वर पाठवलं जातं. इज दॅट क्लिअर? ओके, रूट मध्ये जे काही फूड आहे, हे फूड परत वर पाठवलं जातं. कशासाठी बेटा? येस एक्झॅक्टली, लीप बनवण्यासाठी. बरोबर, हे कशासाठी बनवलं जातं? लीप बनवण्यासाठी. म्हणजे फूड लीप मधून रूट मध्ये पण येऊ शकतं, आणि रूट मधून लीप मध्ये लीप बनवण्यासाठी सुद्धा जाऊ शकतं. मग मला तुम्ही सांगा की ही जी काही फूडची, म्हणजे सुक्रोजची, सुक्रोज ट्रान्सपोर्ट किंवा फूड ट्रान्सपोर्टची डायरेक्शन युनिडायरेक्शनल असेल, मल्टी डायरेक्शनल असेल, का बाय डायरेक्शनल असेल? येस एक्झॅक्टली, आन्सर मी इन द कमेंट सेक्शन, डू इट फास्ट. जोर से बोलो, कशी असणार फूडची डायरेक्शन, कशी असणार, बोलणार की नाही बोलणार, व्हिडिओ बंद करून टाकू. ओके, अरे कशी असणार पुढची डायरेक्शन, कशी असणार दिलेले, पटकन बोला पुढची डायरेक्शन कशी असणार. बरोबर, ओके. तो अभी हमने देखा फूड का डायरेक्शन. हमारे इस फूड के अंदर मैंने आपको बोला कि लीप ने फूड को बनाया, लीप ने फूड को बनाया और किसको दिया, जहां पर फूड नहीं बनता. एग्जैक्टली, रूट के अंदर फूड नहीं बनता, इसीलिए लीप ने रूट को फूड दिया, लीप ने रूट को फूड दिया. लेकिन जब अर्ली स्प्रिंग आता है, अर्ली स्प्रिंग म्हणजे रेनी सीझनच्या अगोदरची जी काही कंडिशन आहे, त्या कंडिशनला आपण अर्ली स्प्रिंग म्हणतो. ज्या वेळेस त्या प्लांटला एकही लीप नसतं, मग अशा वेळेस रूट मध्ये स्टोअर असणारं हे जे फूड आहे, हे रूट त्या प्लांटच्या लीप बनवण्यासाठी ते फूड त्याला वापस करत असतं. म्हणजे या ठिकाणी जर आपण विचार केला, लीप कडून रूटला फूड जातं आणि अर्ली स्प्रिंग मध्ये रूट कडून लीपला जातं लीप बनवण्यासाठी, याचा अर्थ असा होतो की या ठिकाणी जे काही फूडची डायरेक्शन आहे, फूडची डायरेक्शन कशी असते बेटा? येस एक्झॅक्टली, बाय डायरेक्शनल असते. इज दॅट क्लिअर? या तर काही समज मी आई, जल्दी से बोलिये. व्हेरी गुड, ओके. अरे लिहिलं होतं का रे, लिहिलं होतं का? ओके डन. ओके, अभी चार नंबर का बाकी रहेगा, कौन सा बेटा अपने पास चार नंबर, जल्दी से बोले रिप्लाई दो. यस वेरी गुड. तो अभी हमें देखना है हार्मोन की डायरेक्शन, किसकी डायरेक्शन देखना है हमें, हार्मोन की डायरेक्शन. ओके, हार्मोन की डायरेक्शन देखो, प्लांट का एक हार्मोन है बेटा, प्लांट का एक हार्मोन है जिसका नाम है ऑक्सिन. प्लांट में टोटल पांच हार्मोन रहते हैं बेटा, कितने हार्मोन रहते हैं, पांच. अभी होता क्या है देखो, ये जो ऑक्सिन जो हार्मोन है, ये ऑक्सिन नाम का हार्मोन कहां पर बनता है, टिप को बनता है, टिप को. इधर बनेगा, टिप को बनता है. तो बोलिए मुझे, प्लांट को कितने टिप रहते हैं, एक रहता है या दो रहते हैं, क्या रखा, दो रहते. सपोज दैट ए प्लांट है, प्लांट को ये शूट रहेगा, शूट टिप और ये रूट टिप. यस एग्जैक्टली, दो टिप रहेंगे ना. तो ये जो ऑक्सिन है, सपोज दैट मैं यहां पर एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन आपके लिए निकालूंगा. ओके डन डन. तो ये हो गया उसका, सपोज दैट ये रूट है. ओके, ये रूट हो गया. ओके, और यहां पर ये शूट हो गया बेटा. ओके डन. तो ये जो हार्मोन है बेटा, यहां पर एक बनेगा और इधर एक बनेगा, रूट को, रूट के टिप को भी बनेगा और शूट के टिप को भी बनेगा. ओके, रूट के टिप को भी बनेगा, रूट के टिप को भी बनेगा और शूट के टिप को भी बनेगा. और किधर आएगा, रूट शूट के टिप वाले बने वाला हार्मोन नीचे आएगा और रूट के टिप को बने वाला हार्मोन ऊपर आएगा. तो यहां पर बोलिए मुझे,
हाँ, ये जो ट्रांसपोर्ट होता है, इस ट्रांसपोर्ट या पोल से आता है बराबर, इस प्लांट को दो पोल या तो फिर दो टिप है, इसीलिए हार्मोन का जो ट्रांसपोर्ट रहता है, ओके, हार्मोन को ट्रांसपोर्ट को कहेंगे हम पोलर ट्रांसपोर्ट, ओके, हार्मोन का जो ट्रांसपोर्ट प्लांट के अंदर होता है उस ट्रांसपोर्ट को हम कहेंगे पोलर ट्रांसपोर्ट, इज दैट क्लियर, जल्दी से बोलिए। लेकिन ये डाउनस्ट्रीम रहेगा बराबर, प्लांट के शूट के टिप ने जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस किया है उसका जो ट्रांसपोर्ट रहेगा वो कैसा रहेगा, एग्जैक्टली डाउनस्ट्रीम रहेगा, डाउनस्ट्रीम। और तो बोलिए मुझे, रूट के टिप ने बनाया हुआ है उसका ट्रांसपोर्ट कैसे रहेगा, अगर ये डाउनस्ट्रीम है तो ये कैसा रहेगा, वेरी गुड, ये रहेगा अपस्ट्रीम, इज एग्जैक्टली क्लियर, ये रहेगा एग्जैक्टली क्लियर अपस्ट्रीम बराबर। तो ये होता है पोलर ट्रांसपोर्ट बराबर, हार्मोन का ट्रांसपोर्ट प्लांट के अंदर कैसे होगा, पोलर ट्रांसपोर्ट इस मेथड से होगा। क्या यहां तक जो दी गई बात है पूरी समझ में आ गई, जल्दी से रिप्लाई दो बेटा, जल्दी से रिप्लाई दो। यस सर। चलो ठीक है, आगे बढ़ो, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन हो गया, लिखना हो गया। यस सर। चलो ओके, यस, तो आगे बढ़ेंगे, हमारे पास न्यू हेडिंग आती है यहां पर, मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपोर्ट, ओके डन। हमारे पास अभी एक न्यू हेडिंग है, सेटिंग का नाम है मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपोर्ट, ओके डन। हम आज देख रहे हैं बेटा ट्रांसपोर्ट इन प्लांट का पहला लेक्चर, टॉपिक के अंदर बने रहो, ओके बेटा, डू इट फास्ट, ओके। तो अभी आप देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपोर्ट के बारे में, ओके। मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपोर्ट के बारे में हमारा लेक्चर चालू है बराबर, मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपोर्ट के बारे में हम देखेंगे। देखो बेटा, मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपोर्ट के बारे में मैंने आपको जो पॉइंट दिए थे टॉपिक के अंदर क्या है, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट के अंदर क्या है, तो उसमें मैंने आपको एक सब पॉइंट, सब टॉपिक भी दिया था जिसका नाम है शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट बराबर, जिसका नाम है शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। एक बात बोलो, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट, सपोज दैट एक सेल है प्लांट की और एक दूसरी सेल है, मुझे कौन आंसर देगा, प्लांट के दो सेल के अंदर कौन सा कनेक्शन रहता है, वनस्पतींच्या दोन सेलच्या मध्ये कोणतं कनेक्शन असतं सांगा बरं पटकन, आंसर मी द कमेंट सेक्शन, डू इट फास्ट, वेरी गुड। तर हे आहे प्लाझ्मोडेस्माटा, हे कोण झालं, प्लाझ्मोडेस्माटा, डेस्माटा बरोबर। मग आता एखादी गोष्ट एखादं मिनरल इकडून तिकडे जाऊ शकतं किंवा तिकडून पण इकडे येऊ शकतं अशा पद्धतीनं बरोबर, मग हे कोणतं डिस्टन्स झालं बेटा, शॉर्ट डिस्टन्स झालं, शॉर्ट डिस्टन्स ट्रान्सपोर्ट झालं बरोबर, हे शॉर्ट झालं म्हणजे जवळच्या सेल मधून जे काय होतं त्याला आपण शॉर्ट डिस्टन्स ट्रान्सपोर्ट असं बोलत असतो। आता शॉर्ट डिस्टन्स ट्रान्सपोर्ट तुम्हाला कळालं असेल की शॉर्ट डिस्टन्स ट्रान्सपोर्ट हे दोन जवळच्या सेल मध्ये होतं त्याला आपण शॉर्ट डिस्टन्स ट्रान्सपोर्ट असं बोलतो बरोबर आहे, जे दोन जवळच्या सेल मध्ये होतं त्याला आपण काय बोलतो, शॉर्ट डिस्टन्स ट्रान्सपोर्ट। या तक क्लियर आहे बात, समझ में आई, तो चलेंगे अभी अभी हम देखेंगे लॉन्ग डिस्टन्स ट्रान्सपोर्ट। अभी एक बात बोलो, प्लांट को जो वॉटर नीडेड रहता है, ये प्लांट को वॉटर जो नीडेड रहता है उसको किसने अब्सॉर्ब किया, रूट्स ने बराबर, वनस्पतींना लागणारं जे काही पाणी आहे हे पाणी वनस्पतींच्या मुळांनी ऑब्झर्व केलं, ऍब्सॉर्ब केलं, परंतु ते जे पाणी ऍब्सॉर्ब केलं ते झाडाच्या शेंड्यापर्यंत पोहोचवण्याचं काम झायलमनं केलं, वनस्पतींच्या मुळांनी वॉटरला ऍब्सॉर्ब केलं यात काही शंका नाहीये, सॉइल मध्ये असणारं वॉटर वनस्पतींच्या मुळांनी ऍब्सॉर्ब केलं, परंतु मुळांनी ऍब्सॉर्ब केलेलं वॉटर झाडाच्या शेंड्यापर्यंत पोहोचवलं, मग मला तुम्ही सांगा हे शॉर्ट डिस्टन्स ट्रान्सपोर्ट असेल का लॉंग डिस्टन्स ट्रान्सपोर्ट असेल, व्हेरी गुड। तो अभी हम देखेंगे सेकंड वाला पॉइंट हमारा लॉंग डिस्टन्स ट्रान्सपोर्ट, ओके, लॉंग डिस्टन्स ट्रान्सपोर्ट, अभी हम देखेंगे लॉन्ग डिस्टन्स ट्रान्सपोर्ट, ओके डन। अभी हम देखेंगे लॉन्ग डिस्टन्स ट्रांसपोर्ट, ओके। तो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट के अंदर मैं क्या बोलूंगा आपको, देखिए लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट के अंदर सपोज दैट ये अपना लीफ है, देखो और ये अपना रूट है, ओके, रूट ने किसे एब्सॉर्ब किया बेटा, यस, रूट ने किसे एब्सॉर्ब किया, वाटर को एब्सॉर्ब, रूट एब्सॉर्ब द वाटर, एब्सॉर्ब वाटर बराबर, और वाटर किसको मिला बेटा, लीफ को मिला,
बराबर। वाटर किसे मिला, किसे मिला वाटर, लीफ को मिला। लेकिन यहां पर मैं ऐसा भी बोल सकता हूं, जो फूड यहां पर लीफ ने बनाया था वो किसे मिला, रूट को मिला। बोलिए मुझे, रूट ने किसे एब्जॉर्ब किया, वाटर को एब्जॉर्ब किया। रूट ने जो वाटर को एब्जॉर्ब किया वो वाटर किसे मिला बेटा, यस एग्जैक्टली लीफ को मिला। और लीफ ने जो फूड बनाया वो किसे मिला, यस एग्जैक्टली रूट को मिला। तो बोलिए इसे लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट हम कह सकते हैं या नहीं कह सकते, जल्दी से बोलिए। यस ओके, तो यहाँ पर मैं आपको बोल सकता हूँ कि लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट के लिए हमें क्या लगेगा। यहाँ पर की पॉइंट सारी स्लाइड दिखाई देंगी आपको, यहाँ पर अगर रेड हो क्या मैंने को, बोलिए जल्दी से। ओके तो यहाँ पर लगता है रिक्वायर झाइलम एंड फ्लोएम। देखो यहाँ पर क्या लगेगा, रिक्वायर झाइलम एंड फ्लोएम, हमें झाइलम एंड फ्लोएम लगेगा। ओके झाइलम किसे कंडक्ट करेगा और फ्लोएम किसे कंडक्ट करेगा, जोर से बोलिए। झाइलम वॉटरला कंडक्ट करणार आणि फ्लोएम फूडला कंडक्ट करणार। आता एक हेडिंग देतो तुम्हाला, एक इथे एक पॉइंट होतो सगळ्यात महत्त्वाचा, ट्रान्सलोकेशन। लक्षात घ्या, बऱ्याचशा विद्यार्थ्यांना असं वाटतं की ट्रान्सलोकेशन हा शब्द फक्त झाइलम बद्दल आहे, नाही बाळा, ट्रान्सलोकेशन हा शब्द झाइलम आणि फ्लोएम या दोघांबद्दल पण वापरला जातो। लक्षात घ्या, झाइलम आणि फ्लोएम या दोघांबद्दल सुद्धा ट्रान्सलोकेशन हा शब्द वापरला जातो। त्याची डेफिनेशन आठी, इट इज अ लॉन्ग डिस्टन्स ट्रान्सपोर्ट। बघा ट्रान्सलोकेशन म्हणजे काय असतं, इट इज लॉन्ग डिस्टन्स ट्रांसपोर्ट, लॉन्ग डिस्टन्स ट्रांसपोर्ट, इट इज लॉन्ग डिस्टन्स ट्रांसपोर्ट, एक लॉन्ग डिस्टन्स ट्रांसपोर्ट आहे ट्रान्सलोकेशन म्हणजे। ओके ऑफ फूड अँड वॉटर, ऑफ फूड अँड वॉटर, ऑफ फूड अँड वॉटर, बघा फूड आणि वॉटरचं लॉन्ग डिस्टन्स ट्रान्सपोर्ट होणं। ओके वॉटर, फूड कॉमा वॉटर येतो, फूड कॉमा वॉटर अँड मिनरल, अँड मिनरल, बघा फूड वॉटर आणि मिनरल यांचं ट्रान्सपोर्ट बाय झाइलम अँड फ्लोएम, बाय फ्लोएम अँड झाइलम करतो कारण वॉटर इथे लिहिले शेवटी। ओके बाय फ्लोएम, फ्लोएम अँड झाइलम, बाय फ्लोएम अँड झाइलम। ओके दॅट इज कॉल्ड एज दॅट इज ट्रान्सलोकेशन, ट्रान्सलोकेशन। मला पटकन सांगा, ट्रान्सलोकेशन ही कन्सेप्ट आपण फक्त झाइलम साठी वापरतो का, फ्लोएम साठी वापरतो का, दोघांसाठी वापरतो, पटकन सांगा। ओके तर काय सांगितलं डेफिनेशन तुम्हाला मी, ट्रान्सलोकेशन इट इज अ लॉन्ग डिस्टन्स ट्रान्सपोर्ट ऑफ फूड अँड वॉटर अँड मिनरल बाय फ्लोएम अँड झाइलम, दॅट इज कॉल्ड एज ट्रान्सलोकेशन। ओके जल्दी से लिख लो बेटा, जल्दी से लिख लो। तो अभी हमने देखा कि लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट जो होता है, बराबर, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट के अंदर मैंने अभी आपको बोला कि जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट होता है, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट के अंदर जो वाटर रूट ने एब्जॉर्ब किया वो वाटर रूट के टिप तक, शूट के टिप तक जाता है, और लीफ ने जो खाना बनाया वो खाना रूट तक आता है। इसका मतलब ये बहुत बड़ा डिस्टेंस होगा, इसीलिए इसको मैंने कहा लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। ओके तो थोड़ा सा एक शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट के बारे में देखेंगे। तो बोलिए शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट कहां पर होता है, जो सेल नजदीक रहती है उनके बीच में क्या होता है बेटा, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट होता है। क्या आपको ये बात समझ में आई है, जल्दी से बोलिए, डू इट फास्ट। चलो उसके बारे में थोड़ा सा देख लेंगे। ओके देखो सपोज दैट एक सेल बेटा और एक सेल, दोनों प्राणी की सेल, बीच में क्या होगा, प्लाज्मोडेस्माटा होगा, बराबर। तर एखादी गोष्ट, एखादा मॉलिक्यूल या सेलच्या बाहेर एक्झिट झाला, एक्झिट एक्झिट, ओके, किंवा बाहेरचा एखादा मॉलिक्यूल याच्यामध्ये आला, किंवा बाहेरचा एखादा मॉलिक्यूल याच्यामध्ये आला, लक्षात घ्या, एक्झिट जरी झाला किंवा बाहेरचा एखादा मॉलिक्यूल एंट्री झाला, किंवा या सेल मधला एखादा मॉलिक्यूल याच्यात गेला, किंवा यातला मॉलिक्यूल याच्यामध्ये फिरला, या सगळ्या गोष्टीला बोलतात शॉर्ट डिस्टन्स ट्रान्सपोर्ट। लक्षात घ्या, या सगळ्या गोष्टीला काय बोलल्या जातं, शॉर्ट डिस्टन्स ट्रान्सपोर्ट असं बोलल्या जातं। मग मी इथं लिहून देतो मीनिंग। ओके इथं लिहितो शॉर्ट डिस्टन्स ट्रान्सपोर्ट। ओके शॉर्ट डिस्टन्स ट्रान्सपोर्ट के बारे में हम जान रहे बेटा। ओके तो शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट का मीनिंग क्या होगा, यहां पर मीनिंग क्या होगा बेटा, देखो
शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट का मीनिंग क्या होगा? तो मीनिंग ऐसा है, एंट्री और एग्जिट फ्रॉम सेल, देखो एंट्री और एग्जिट फ्रॉम सेल, सेल मध्ये एंट्री होना किंवा एग्जिट होना फ्रॉम सेल, ओके हा पण मीनिंग होऊ शकतो. किंवा सेल टू सेल मुवमेंट, बघा सेल टू सेल इकडून आणि इकडे गेलं, ओके सेल टू सेल मुवमेंट पण म्हणू शकतो. सेल टू सेल मुवमेंट याला सुद्धा आपण शॉर्ट डिस्टन्स ट्रान्सपोर्टच बोलल्या जातं, किंवा यालाच आपण बोलल्या जाऊ शकतो विद इन सेल मुवमेंट, ओके सेलच्या आत होणारी जी काय मुवमेंट आहे, ओके विद इन सेल मुवमेंट जी काय होत आहे विद इन सेल, सेलच्या आतमध्ये या सगळ्या गोष्टींना आपण बोलत असतो त्या ठिकाणी शॉर्ट डिस्टन्स ट्रान्सपोर्ट. इज दॅट क्लिअर? बोलिये जल्दी से, या तक पूरी बात समझ में आई है? जल्दी से रिप्लाई. चलो ठीक है, तो इसे रफ कर देता हूं. ओके अभी हम देखेंगे कि शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट होने के लिए कौन कौन सी मेथड है, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट होने के लिए कौन कौन सी मेथड. यहां तक पूरा क्लियर है क्या? जल्दी से बोलिए. यस पूर्णिमा, श्रावणी, स्नेहा, यस वेरी गुड. चलो ठीक है आगे बढ़ेंगे. तो आगे हमें क्या दिया है, मेथड्स ऑफ शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट. ओके मेथड्स कौन कौन सी मेथड है बेटा, मेथड मेथड्स ऑफ शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट. ओके मेथड्स ऑफ शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट कौन कौन सी मेथड है शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट की, इसके बारे में अभी हम जानेंगे. तो पहली मेथड है बेटा डिफ्यूजन, डिफ्यूजन. और एक बात ध्यान में रखना कभी भी बच्चों, डिफ्यूजन को ही कहा जाता है सिंपल डिफ्यूजन. ओके डिफ्यूजन को ही कहा जाता है सिंपल डिफ्यूजन. दूसरी मेथड हमारे पास होंगी फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन जानेंगे. फैसिलिटेटेड का मतलब, फैसिलिटेटेड का मतलब होता है हेल्प होना. तीसरी बात हम जानेंगे यहां पर एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में. और मेथड के अंदर अभी हम जानेंगे साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग के बारे में भी जानेंगे. ओके तो ये होती है बेटा बेटा मेथड्स ऑफ शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट. यस बेटा यहां तक कहानी समझ में आई है? जल्दी से बोलिए. शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट की कहानी समझ में आई है? यस ओके तो उसके अंदर मैंने आपको चार मेथड दी है. पहली वाली दी है डिफ्यूजन, डिफ्यूजन को ही कहा जाता है सिंपल डिफ्यूजन. ओके दूसरा वाला रहता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, उसे हम कहेंगे. तीसरा वाला रहेगा एक्टिव ट्रांसपोर्ट. और चौथा वाला रहता है बेटा साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग. तो इस चार मेथड से होता है शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट. इज दैट क्लियर? यहां तक समझ में आता है? जल्दी से रिप्लाई दो, डू इट फास्ट. ओके डन. तो अगले लेक्चर में हम देखेंगे यहां पर डिफ्यूजन या तो फिर सिंपल डिफ्यूजन.